जब ये बच्चा पैदा होगा ना, तो तुम्हारा प्यारा पति विराट खुद मेरी गोद में ये बच्चा रख के जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया बाकी दीदी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब मैंने विनायक को पहली बार अपनी गोद में पकड़ा था ना, उस पल मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ पुराने सारे गिले शिकवे मिटा दूंगी, और आपको कहा भी था। लेकिन आप तो आप है ना, आपको मुझसे कुछ ना कुछ तो छीनना था, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। आज तक आपने सई जोशी से पंगे लिए। सई जोशी जो एक पुलिस वाले की बेटी थी, सई जोशी चौहान जो एक पुलिस वाले की पत्नी थी, लेकिन आज आपने माँ को उकसाया है। शायद आप नहीं जानती, एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी बन जाती है, खूंखार शेरनी। मैं सबके सामने ये ऐलान करती हूँ कि अब आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। सही, सही मेरी बात तो छोटू अली कितना प्यारा लग रहा है मेरा बाबू, किसी की नजर न लगे। अरे क्यूटू, हाय छोटू बेबी, क्यूटी बेबी। बाहर बादल हो रहे हैं, ठंडी है, आपने इसे स्वेटर क्यों नहीं पहनाया? बादल हो रहे होंगे लेकिन बाहर उमस भी है, विनायक को स्वेटर में तकलीफ होगी। पाखी दीदी मैंने कहा ना, उसे स्वेटर पहना दीजिए, उसके लिए अच्छा होगा, ठंड है बाहर। क्योंकि सिर्फ तुमने स्वेटर बनाया है, जरूरी तो नहीं ना कि विनायक इसे पहने। इसे मैंने जन्म दिया है तो मुझे अच्छे से पता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या नहीं है? लाइए। आई स्वेटर पहनाएगी विनायक को,
वीनू, वीनू आई का बनाया हुआ स्वेटर पहनेगा, फिर वीनू को जुकाम नहीं होगा। कैसा लग रहा है? हाँ, आई का बनाया हुआ स्वेटर कैसा लग रहा है? सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, अब कोई चीख चूक नहीं आएगी। अरे चिंता नहीं करता। लो मुझे दो, मैं बाहर धूप में ले जाती हूँ। विटामिन डी 3 हड्डियों के लिए अच्छा होता है ना, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो डॉक्टर हो। आपकी याददाश्त कमजोर है, बोला ना अभी बाहर बादल है, मौसम खराब है, और शायद आप ये भी भूल गई होंगी मैंने आपको गोद भराई पे क्या कहा था। मुझे इतना मत उकसाइए कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो आपने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम भी भूल गई कि विराट ने मुझे खुद इसे अपने हाथों में सौंपा था। मैं तब ना तुम्हारी खोखली धमकियों से डरी थी और ना ही अब डर रही हूं। डर क्या होता है ना, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आपने मुझे हल्के में लेकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी बाकी दीदी। अब जल्द से जल्द मैं आपको यह एहसास कराऊंगी कि मैं सच की खातिर किस हद तक जा सकती हूं।